वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल ज्योति ऑफिशियल। और कैसे हैं आप सब? आई हो बढ़िया होंगे और हम भी अब ठीक हैं बिल्कुल। काफ़ी दिन से ब्लॉग नहीं जा रहा था क्योंकि तबीयत ख़राब हो रखी थी मेरी, इसलिए तो अब कंटिन्यू ब्लॉग आएंगे। और मॉर्निंग का टाइम है, गुड मॉर्निंग सुबह की, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और बस अब हम जल्दी से ब्लॉग शुरू करते हैं। बस अभी उठे हैं हम और तो बस मैंने मशीन वगैरह लगा दी है, दूध बिल जाएगा और जल्दी से फटाक से फिर सब्जी वगैरह बना देते हैं। और आज मैं थोड़ी जल्दी उठी हूँ, अब मैं जल्दी उठना स्टार्ट कर दिया है मैंने, जल्दी काम हो जाएगा। और तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं अपना वीडियो, क्योंकि मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए। तो बस ये सब सो रहे हैं, बस मैं ही उठी हूँ। तो जल्दी से कुछ तैयारी मैंने रात को करके रख दी थी और अब जल्दी से अपना काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है बहुत ज़्यादा। और दिन निकलते ही धूप निकलना शुरू हो जाती है, फिर धूप में ना काम नहीं होता, मुझसे तो बिल्कुल नहीं होता है, सर दर्द करने लगता है मेरा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को साथ के साथ प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब फिर से हम किचन में आ गए हैं और अब बनाऊंगी चाय। तो उस साइड मेरा दूध बिल ना रख दिया है मैंने, वो दूध बिल जाएगा फिर उसको बंद, जो घी होता है यानी कि नूनी घी होता है वो निकाल लेंगे हम लोग और इतने हमारी चाय बन जाएगी। तो चाय के लिए मैंने टोपे चढ़ा दिया है, उसके अंदर डाल दिया है पानी और अब चाय पत्ती ख़त्म हो रखी थी तो वो डब्बे में मैं डाल दूँगी और इतने मेरा पानी उबल जाएगा, तो उसके बाद फिर मैं इसमें चाय पत्ती ऐड कर दूंगी। तो अब डब्बा भर देते हैं। और ये चाय शायद पॉपुलर की है, तो हम पॉपुलर की ज़्यादा ही चाय पीते हैं और जैसे इलायची वाली आती है वो भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो बस हमारा पानी अब उबल चुका है, इसके बाद हम डाल दूँगी इसमें तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं और कुछ ना मुझे कोल्ड हो रखा था, मीन्स जुकाम हो रहा था, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा ना तुलसी के पत्ते डाल दिए ताकि मेरा जुकाम ठीक हो जाएगा। और साथ ही साथ मैंने डाल दी इसमें चाय पत्ती। तो मेरे यहाँ पर ज़्यादा जो बोलते हैं ना कड़क चाय नहीं पीते, कम पीते, पत्ते की चाय पीते हैं, थोड़ी थोड़ी मतलब जैसे वाइट होती है ना चाय वो ज़्यादा पीते हैं। यहाँ पे जैसे कड़क चाय होती है जैसे कि रेड होती है, पत्ती ज़्यादा गिर देते हैं, तो वो वाली चाय मेरे यहाँ पे कोई नहीं पीता है। और मुझे भी यहाँ पर आके ना ऐसी आदत पड़ गई है कि चाय बस जो चाय पत्ती होती है वो थोड़ी नामात्र की ही गिरती है, तो सब थोड़ी वाइट ही अच्छी लगती है। और बिल्कुल कड़क चाय मेरे मायके में बनाते हैं, तो वहाँ जाके मैं जाती हूँ तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, कई दिन पीती हूँ और फिर वहाँ से इधर आती हूँ तो मुझे यहाँ पे अजीब लगता है कि यार कैसी चाय, बिल्कुल लाइट कलर है इसका तो थोड़ा। चलो तो कोई नहीं, तो उस चाय थोड़ी उबल जाएगी तो साथ के साथ मैं फ्रिज से सामान निकाल लूँगी। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू की सब्ज़ी कुछ अलग स्टाइल में। तो आलू मैंने छील के रख दिए थे रात को ताकि सुबह का काम थोड़ा कम हो जाए मेरे लिए, क्योंकि सुबह का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ही सुबह ज़्यादा होता है, शाम को तो फिर भी थोड़ा बहुत ही रह जाता है, तो सुबह में तो बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने आलू छील के रख दिए थे फ्रिज में, अब इनको मैं कट कर दूँगी। कट करने के बाद थोड़ी देर में इसको किचन प्लेटफॉर्म पे ही छोड़ दूंगी, ताकि क्योंकि जो फ्रिज का है तो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा वो, इसलिए मैं थोड़ा कट करके छोड़ दूंगी इसको और फिर इतने में चाय वगैरह पी लूँगी तो इतने ठीक हो जाएंगे। और अब मैं जल्दी इसलिए उठ रही हूँ क्योंकि ना फिर जो मेरा घर काफ़ी बड़ा है, मतलब काम ज़्यादा है, भैंसे भी हैं, 4-5 भैंसे हैं और क्लीनिंग वगैरह हो जाता है, साथ में बच्चों का काम हो जाता है, तो मुझे ना रिकॉर्ड करने के लिए टाइम नहीं मिलता है ब्लॉगिंग के लिए बिल्कुल भी। तो बस जल्दी सोचती हूँ यार तू आज लेट उठी, जल्दी जल्दी काम निपटा ले, ब्लॉगिंग को रहने दे, तो वो ब्लॉगिंग नहीं हो पाती है। अगर वीडियो ना बने तो मेरा सारा दिन मूड ऑफ रहता है, कि मेरा बस ये होता है कि यार वीडियो नहीं बना आज तेरा, तो बस मेरा सारा दिन दुख होता है मुझे बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ और साथ के साथ मेरी रिकॉर्ड भी हो जाता है, क्योंकि माइंड में ये रहता है कि कोई नहीं अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, लेट नहीं हुई है तो रिकॉर्ड कर सकती है। तो बस इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ क्योंकि वीडियो बनाना मुझे मेरा बहुत फेवरेट काम है, मुझे बहुत पसंद है वीडियो बनाना, यूट्यूब पर आना तो काफ़ी टाइम से बहुत मन था मेरा, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ और मेरा काम भी हो जाता है साथ के साथ और मेरा ब्लॉगिंग भी हो जाता है,
क्योंकि टाइम बचा रहता है मेरे साथ। तो देखिए चाय उबल गई ये मेरी, और मैंने चीनी इसके ना लास्ट मोमेंट पे डाली थी, क्योंकि मेरे यहाँ पे कहते हैं कि जो चीनी होती है ना उसको हमें इस पत्ते के साथ ही डालनी चाहिए, क्योंकि फिर वो उबल उबल के चाशनी हो जाती है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। तो मैं जैसे छानती हूँ, छानने से मुझे थोड़ी देर पहले मैं उसमें चीनी डाल देती हूँ, तो थोड़े दो उबाल लगा के फिर उसको मैं छान देती हूँ। तो मेरे यहाँ पे ऐसा ही पीते हैं चाय को, ज़्यादा उबली हुई नहीं पीते हैं चाय। तो बस चाय हमारी हो चुकी है, अब आगे हम फिर से किचन में। तो किचन में मैं सब्जी बनाने आई हूँ, तो मैंने उसके लिए डाल दिया प्रेशर कुकर, डालती हूँ रख दिया है। ये प्रेशर कुकर काफ़ी बहुत साल पुराना है, शायद ये मेरी सासू माँ कह रही थी कम से कम 20-25 साल पुराना है ये कुकर, तो इसलिए थोड़ी शक्ल इसकी ऐसी है। तो ये गर्म हो चुका है, मैंने डाल दिया तेल, तेल डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया जीरा, जीरे के साथ डाल दिया हींग इसमें, और मैं प्याज वगैरह नहीं डालूंगी क्योंकि नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि में मैं लहसुन का और प्याज का इस्तेमाल नहीं करती हूँ सब्जी में। तो अब डाल दिया मैंने इसमें आलू कटे हुए, इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी मैं, 2-3 मिनट तक तो इनको फ्राई करेंगे। और बहुत से घरों में होता है कि प्याज लहसुन की सब्जी नहीं खाई जाती नवरात्रों में, या कोई हवन वगैरह होता है जैसे पंडित लोग होते हैं तो उनके यहाँ तो बिल्कुल नहीं खाया जाता, पर मेरे यहाँ तो खाया जाता है, पर मैं नवरात्रे में स्किप कर देती हूँ इन चीज़ों को, कोई नहीं। और इसके बाद मेरे आलू जो ऊपर थोड़े से फ्राई कर लिए थे मैंने, तो मैंने टमाटर डाल दिए हैं साथ के साथ ही, और मैं हरी मिर्च डालने वाली, लाल मिर्च नहीं डालने वाली हूँ। हल्दी डाल दी है मैंने, और जितने मतलब मसाले सारे उसे मैंने ऐड कर दिए हैं, जैसे कि किचन किंग मसाला डाल दिया था, अगर किचन किंग मसाला ना हो तो आप गरम मसाला डाल सकते हैं, उससे सब्जी अच्छी बन जाएगी आपकी। और ये है हरी मिर्च जो कि मैंने अभी कस के, मतलब जो ग्राइंडर होता है ना उसमें मैंने हाथ से किया था, क्योंकि लाल मिर्च मेरे घर पे मतलब थोड़ी बंद है, क्योंकि दवाई वगैरह चल रही है तो इस वजह से बंद कर रखी है, तो हरी मिर्च खाने नहीं बता रखी है। तो हरी मिर्च मैंने तेल में डाली, क्योंकि हरी मिर्च अगर हम तेल में पकाते हैं तो उसका तीखापन निकल जाता है, तो मैंने लास्ट में डाली है, तो सब्जी हमारी डन हो जाएगी। इतने में मैंने आटा भी डन कर लिया था, मेरा आटा मैंने गूंद के रख लिया था साथ के साथ, तो सब्जी मेरी बन चुकी है, सब लोग उठ भी चुके हैं। तो ये क्लिप है शायद 10 से 10:30 बजे की क्लिप है ये, तो सब लोग आ गए थे, और पीछे आपको बाल्टी दिख रही होंगी, दूध भी निकाल दिया था हस्बैंड ने, तो उसमें मैंने कपड़ा रख दिया क्योंकि मक्खी वगैरह बहुत ज़्यादा आती है, और अभी दूध लेने वाले भी आए भी नहीं हैं, तो फिर वो दूध लेके चले जाएंगे ना, तो फिर उसको मैं हारे में रख दूँगी डाल के सारा दूध बचा हुआ जितना। अब इतने सब रोटी बना लेते हैं और रोटी खा लेते हैं सब लोग, और आज संडे है तो बच्चे घर पे ही हैं, तो थोड़ा इजी हो जाता है मेरे लिए, और बच्चे भी साथ के साथ सब खा लेंगे। और ये हमारी सब्जी तो देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है, और सब बाद में डाल देते हैं इसमें गरम मसाला और धनिया। तो बात ही क्या है, इस टाइम पे धनिया नहीं मिलता है, मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, वो मार्केट में ही मिलता है, गाँव में ना कोई नहीं लेके आता दुकानों पर गाँव में तब लेके आते हैं तब सस्ता हो जाता है। तो वो रोटी बन चुकी है, और मैं अपने लिए बना रही हूँ बाजरे की रोटी, तो बाजरे की रोटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, खास करके आलू की सब्जी हो उबली हुई और थोड़ा पानी हो, जैसे कि ये मैंने बनाई है, ये तो खैर कट के बनाई है पर अच्छी है, मैंने थोड़ा इसमें पानी डाल दिया था। तो अब बाजरे की रोटी बना रहे हैं, और अभी तो खैर गर्मी है अभी, पर किसी किसी के घर पे यहाँ खाने लगे हैं बाजरे की रोटी, खाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिसको बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए। तो मेरे यहाँ पर तो वो मुझे छोड़ के मतलब मैं खाती हूँ, मम्मी खा लेती हैं और कोई नहीं खाता, तो मम्मी तो अभी है नहीं यहाँ पे, तो मैं अपने लिए ही बना लेती हूँ। मुझे बहुत पसंद है बाजरे की रोटी, तो और थोड़ी मोटी होना तो अच्छी लगती है, उसमें मैं घी रख के ढेर सारा। तो और रोटी बाजरे की रोटी ना जो गैस पे थोड़ी कम फूलने पाती है, तो जो चूल्हा होता है ना उसमें अच्छे से बन जाती है बाजरे की रोटी, चूल्हे पे करकरी रोटी लाल लाल करके खाओ तो मज़ा ही अलग हो जाता है कुछ। चूल्हे पे तो ना गेहूँ की रोटी भी अच्छी लगती है, उसको कुरकुरी कर लो लास्ट में आग पे रख के, तो उसका भी टेस्ट अच्छा ही आता है, और खास करके बाजरे की रोटी तो चूल्हे की ही अच्छी लगती है। पर सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम में मैं चूल्हा नहीं जलाती, बहुत कम जलाती क्योंकि काम ज़्यादा होता है। तो अब आती है प्लेटिंग की बारी, तो मैंने कटोरी में डाल दी है सब्जी और साथ में डाल दी है लस्सी। और ये मग्गा है ना, ये मेरे ससुर जी का है, तो वो आर्मी में थे तो उनका मग्गा है ये, और रोटी और साथ में रख दिया मैंने इस पर लूनी घी, और बाजरी रोटी पे तो ना लूनी घी कितना भी खा लो वही कम है, बहुत अच्छा लगता है साथ में। तो देखिए ये है सब्जी हमारी, लस्सी और ये रोटी, और मक्खन पिघल गया क्योंकि सब्जी जो रोटी है ना वो गर्म थी बिल्कुल। और आपको मैं मेरा स्टाइल बताती हूँ कि मैं कैसे खाती हूँ बाजरे की रोटी, बाजरी रोटी साथ कोई भी सब्जी चलेगी। तो ये देखिए मेरा स्टाइल ये होता है, गाँव में तकरीबन सब लोग ऐसे ही खाते हैं,
रोटी को मोर के चूरमा बना के रोटी का बाजरे का और साथ में जो सब्जी होती है वो उसके ऊपर डाल के, तो देखिए हाथ जल